गाइस हेलो जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड आप लोग के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि समय का जो है न्यू व्लॉग आ चुका है। मुझे भी नोटिफिकेशन आ गया था लेकिन लेट हो गया था रात में, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज ये रिएक्शन लेकर आऊंगी तो मैं आ गई हूँ। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए है। दूसरी चीज, सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा हुआ है तो जाइए वहां पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। आप लोगों कोई सजेशंस है व्लॉग को लेकर या मेरे चैलेंजेस वीडियोस को लेकर तो आप लोग जरूर दे सकते हैं मुझे अपने सजेशंस। और मुझे साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे व्लॉग के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग व्लॉग खत्म होने के बाद हमेशा की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मेरे कॉलेज मेरी डिग्री लेने के लिए जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है और इसका कोई यूज नहीं है मेरी लाइफ में लेकिन फिर भी मैं लेने आ रहा हूँ। द ओनली प्रॉब्लम दो इज दैट मैंने अपने पूरे स्ट्रीमिंग करियर और स्टैंड अप वीडियोस में इतना मजाक उड़ाया मेरी डिग्री का और मेरे टीचर्स का। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर तक जा ही सात लोग रहे हैं तो 100% प्लेसमेंट ही होगी ना यार। डिपार्टमेंट कॉलेज के सामने का जेरॉक्स वाला गेस्ट लेक्चर में आता, कुछ सिखाया नहीं हम लोगों प्रिंटिंग प्रिंटिंग कि मेरे को लगता है मैं वहां जाऊँ कोई तो मेरे को मार देगा भाई। तो इसी कारण से मैं अपने साथ चाहता हूँ बॉडीगार्ड लेके जाऊँ और वो बॉडीगार्ड ना मेरे को इस टाइम पे मिल नहीं रहा है कोई। तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फिटनेस विद पंडित विद मी। अरे इधर है वो, सॉरी ये उनका घर। यो यो, अरे काफी टाइम बाद है। आफ्टर सो लॉन्ग मेरे भाई। हाउ आर यू ब्रदर्स? स्कैम कर रहे हो अभी भी लोगों को? एक प्रेजेंट रील का एडिटिंग चल रहा है। अच्छा, रील बना रहे हैं यहां पे जब बताऊं। ये देखो दोस्तों, ये ट्रेनर का रूम है। ये नहीं कि कुछ प्रोटीन शेक हो इधर। कुछ ऐसे लिंक भी रखते हैं इंस्टा फॉलोवर्स यूट्यूब फॉलोवर्स। ओह शिट। अगर ट्रेनर मुझे क्या मालूम था, आई वाज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट। हर जगह पे स्क्रिप्ट ही स्क्रिप्ट है। इफ ट्रेनर वाज अ पानी पूरी वाला, इफ ट्रेनर वाज अ पुलिस वाला, कहीं पे है क्या कि इफ अ ट्रेनर वाज एन एक्चुअल ट्रेनर? दोस्तों, फिटनेस विद प्रिंस हैज ऑफिशियली बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, अनदर टैलेंटेड यंग मैन फॉलन प्रे टू यूट्यूब्स एल्गोरिथम। प्रिंस भाई, ये मेरा मैनेजर है, लाइव मैनेजर, ठीक है? इसको ऊपर से नीचे देखो। हाउ मच टाइम विल टेक फॉर हिम टू गेन 1000 सब्सक्राइबर्स? गाइस, इसका नाम तो बोलो ना, फ्रॉड ट्रेनिंग। खत्म हो गया यार मैं तो। तो भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत टाइम बाद में कॉलेज आ रहा हूँ अपनी डिग्री लेने, और आपने तो देखा है मैं कितना मजा कर रहा हूँ प्रिंटिंग जो है। तो आपने ये मैं जाऊँगा कॉलेज और मैंने इतना मजाक उड़ाया कॉलेज वालों का कि वो लोग मेरे को कोई मार सकता है। तो मेरे को आपका ऐसा डोले वोले रखना चाहिए कोई, तो थोड़ा डर लग गया। दो चार बंदों को और लेके जाना। चलो दो तीन लोग लेके आते हैं, एकदम ऐसे ना पौड़ी गाड़ी कुछ भी ना हो बेसिकली। वहाँ पर ना थोड़ा वो रहता है ना, मतलब गुंडागर्दी रहती है कॉलेज में, आपको पता ही है। क्या भाई, पतला हो गया ना? होम फिट। होम फिट क्या बात कर रहे हैं? यूट्यूब पे देख रहे हैं ना वीडियो, सर के वीडियो देखते हैं। मैं तो रोज देखता हूँ। इसलिए छत पे जहाँ पे अच्छी फेंसिंग लगी है, वरना क्लाइंट्स इनके रेट्स देख के यहाँ से कूद जाते हैं। मैं तो आपको घाटा घाटा कराने आया हूँ भाई, बस जितने महीने भर के लीड कमाए थे सब चले जाने वाले। भाई क्या करने वाले? और हम करने क्या वाले हैं? क्या करते हो बताओ ना। अच्छा, मैं मेरा टेस्ट ले रहे कि मैं क्या करता हूँ। ओम फिट आई वांट यू। सबसे पहले होता है नेक लेफ्ट राइट। हो गया वो? ओम इतना हो गया। अबे टेन टेक्स तो कर। थ्राइस इज अ चार्म। तू दिनों क्या? याद है मैं पहले तुझसे खाना नहीं बोला? हाँ। तो क्या लग रहा है, am I ready to go to college?
मुझे कॉलेज ले जाने के लिए प्रणय जिस गाड़ी में आया था वो थी महिंद्रा की थार। ये गाड़ी पुणे की सड़कों पर इतनी मस्त चल रही थी कि मेरा ये मन किया कि यार मुझे भी चलानी, लेकिन मैंने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई नहीं थी। मेरे को नॉर्मल गाड़ी चलाना आता तो था, लेकिन मैंने बहुत पहले चला था। तो मैंने प्रणय को रिक्वेस्ट किया कि भाई देख, फिटनेस तो कुछ सिखा नहीं पाया, कम से कम ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना ही सिखा दे। तो भाई लेट्स गो, कैसे चलाते हैं गाड़ी? भाई इतना सिंपल है यार, एक्चुअली ड्राइव पे नहीं करना है, सिर्फ ऑटोमेटिक में मोड पे डालना है, ड्राइव पे डालो और स्टीयरिंग व्हील है आपके सामने, ब्रेक निकालो, निकल गई गाड़ी। इतना ही गाड़ी बस, मैं चला के देखो। एक्सीलेटर कौन सा है? मतलब कि तुझे सच में नहीं चलाना आता, मुझे लगा तुम मजाक कर रहा है। मैं बिल्कुल, मेरे पास लेकिन लाइसेंस है। भाई तुझे लाइसेंस कैसे मिला फिर? पूरा नीचे मैं बताती हूँ कैसे मिला। सिर्फ ब्रेक से पैर हटा, अभी थोड़ा सा ट्राई कर एक्सीलेटर लेने का। हाँ भाई, साइकिल वाले बच्चे ना टूट जाने से और always look as far as possible, मतलब as आगे देखते रहो ताकि straight line automatically maintain हो जाता है। भाई drift कैसे मारते हैं? Yes brother, let's go। सिखा दिए भाई, कुछ तो सिखा पाया कि ज़िंदगी में किसी को नहीं सिखा पाया, कुछ तो सिखा पाया। भाई तो अब मैं गाड़ी चलाना सीख गया हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉलेज में एंटर मारूँ थार लेके और अपनी डिग्री लेके आऊँ। हैं देख ले ताकि उन्हें भी रियलाइज हो कि भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करने के बाद भी फ्यूचर ठीक ठाक हो सकता है। प्रिंटिंग तो दोस्तों मुझे मिल गई है प्रोटेक्शन बच्चों की। भाई प्रिंटिंग के बच्चे नफरत करते हैं मेरे से थोड़ा सा। भाई तुम लोग बचा लो ना, मेरे को मारेगा तो बचा लेंगे। दोस्तों भवन पे एग्जाम चल रहा है और जमदारे सर जो मेरे एक साल होते थे वो इनिशिएट कर रहे हैं अंदर, और अभी कौस्तुभ गया है उनको बाहर लाने के लिए। तो जो भी बच्चे अंदर उनको मजे आने वाले, तो जो भी 30 बच्चे जो पास होने वाले हैं यार उतना मेरे वैसे पास हो। जमदारे सर जब आते थे हमारे इंग्लिश के लिए, हम सब बोलते थे आज पास हो गया। अवॉइड प्लास्टिक यूज। ये फर्स्ट पेपर पे ओम लिख लो भाई, क्योंकि तुम्हें भगवान ही बचाएंगे अब। ये डिग्री तुमने जो कर लिया आगे जा ही नहीं सकते थे। डेट है फोर्थ ईयर के बाद ना, बस फैमिली बिजनेस करने सही कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे जो भी सारे दोस्त ना जिनके फैमिली में वही कर रहे हैं। अच्छा यार ये स्टैंडर्ड नहीं करके रखते थे वो भी मेरे स्टैंडर्ड में बड़ा ऐसा चाहिए। तो हम एडमिशन लेने के एक दिन पहले मैंने वो वीडियो वो के एडमिशन लेते हैं ना तो यही सर्च करता है पीजी और आपका ही चाहता है। हमारे सबकी जब फोर्थ ईयर हो गया था
उसमें मैसेज आया था कि अर्जेंटली रिक्वायर फीडर मैन सैलरी 20,000 रुपीज पर एनम फीडर मैन उसका नाम है पर घर का बच्चा भूखा रहता है उसको दो तीन डिग्रियां पढ़ी होगी और उसमें पर बढ़िया कॉलेज तो है यार MIT ये देखो दोस्तों ये हमको पढ़ाते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं हमको सच बता रहा हूँ तुम लोग प्रूफ हमें कोई मानता नहीं कि मैंने पढ़ाई की है पार्ट्स ऑफ बुक कवर पेपर एज सुन टेप्स ये सब पढ़ रहे हैं बच्चे भाई 4 साल पढ़ रहे हैं सब हमारे क्लास में था ना जब हम एग्जाम देते ना तो आगे पीछे बच्चों को ना इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे से तो मैं आगे वाले से कॉपी करता था और उससे बेटर मार्क्स ले आता था मेरे को मालूम है वो क्या लिखना चाहता था पर वो लिख नहीं पा रहा है वो मैं लिख देता था वो शायद ऑफिस में गई होगी ना सर्टिफिकेट क्लास में तो पहले कुछ दिन और रहता है डिपार्टमेंट के पास कौन सा क्लास टीचर रहता है स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड है भी नहीं करनी पड़ी नहीं करना डिग्री भी मिल गई एक्सएल फी में तो आए थे हाँ
पापड़ स्नैक्स खुल गया नंदनी की जगह पे एक बहुत ही बढ़िया वड़ापा हुआ करता था। अच्छा एकदम ही वो उसको लग्जूरियस बना देता था और एकदम ऐसे मतलब उसमें मेयो डालता था चीज डालता था एकदम बर्गर जैसा बना देता था उसको और सिर्फ 10 रुपए में लाइक क्या बात कर रहे अफोर्डेबल एंड लग्जूरियस जस्ट लाइक अ थार। Pune is known as a city of two wheelers and jo bacche mere college se padh ke graduate hue hain they will be known for three wheelers. Bhai jab main college mein naya naya admission liya tha na to hum auto mein chade aur maine unko bola bhaiya PVG aana hai aage se left le lo keh raha aage se left nahi hai aage se right hai maine kaha aapko kaise malum keh raha main usi college ka graduate hu. Okay हमेशा की तरह क्योंकि ब्लॉग तो देखकर कभी बोर होते ही नहीं हम ठीक है एंड ड्राइविंग लाइसेंस की रही बात ना क्योंकि जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी काफ़ी टाइम हो गया ओके तो सीख ली फिर उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं तो ऑब्वियसली इंसान स्टार्टिंग में भूल जाता है तो उस टाइम पे टाइम बीइंग के लिए सीख लेते हैं लाइसेंस ले लेते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं तो इंसान ने भूलना ही है ओके तो यस वीडियो बहुत 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 अच्छा था बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ स्टार्ट टू एंड और एकदम मज़ेदार था और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग लगे मुझे और लिया उन्होंने मजाक को मजाक की तरह ही लिया और ऐसा ही होना चाहिए इतना सीरियस नहीं होना चाहिए एंड यस वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है और आप लोगों को पता है क्या करना है वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में समय के फैंस के साथ में भी और दूसरी चीज़ कि मेरे सेकेंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बोल रही हूँ मैं जाकर विजिट करो वहाँ पर ठीक है एंड मुझे यहाँ तक देख लिया है तो रियली थैंक यू सो मच गाइस तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में सब तक खुश रखिए थैंक यू टाटा बाय बाय फ्लाइज 'cause there's so many things left to explore.